नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत। आज हम बनाने वाले हैं जलेबी की रेसिपी। रसीली, मीठी, जूसी जलेबी हर किसी को पसंद होती है, तो ये रसभरी जलेबी बनाने का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका आज हम देखेंगे, यानी कि सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं रसभरी जलेबी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले छान लिया था, तो एक कप मैदे को मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और उसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। ये जो दही है वो फ्रेश दही है, तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिया है और उसी कप से मैंने यहाँ पे पानी भी लिया है इसमें डालने के लिए। तो ये जो पानी है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, लेकिन पहले दही को आटे में मिक्स कर लेंगे। अगर आपका ये दही थोड़ा सा गाढ़ा है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और दही अगर थोड़ा सा पतला है तो पानी कम लगेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। एक ही बार में सारा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से डालते हुए हमें इसका बैटर बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये बैटर बनके तैयार है, लेकिन अब हम इसको 3-4 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 मिनट तक इसको लगातार फेंट लिया है और अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे इस बैटर में। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये जो हमारी रेसिपी है ये इंस्टेंट रेसिपी है, यानी कि झटपट बनने वाली जलेबी की रेसिपी है। तो मैंने 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है, 1/4 टेबलस्पून खाने का सोडा डालेंगे और 2-3 चुटकी फूड कलर डालेंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो येलो फूड कलर से भी जलेबी बना सकते हो, लेकिन मुझे ऑरेंज जलेबी चाहिए तो इसलिए मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। फिर से फेंट लिया है 1 मिनट के लिए और यहाँ पे हमारा ये बैटर जो है ये रेडी हो चुका है बनके। तो यहाँ पे मैं इस तरीके के सांचे का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो प्लास्टिक की जो कैरी बैग पॉलीथीन होती है, दूध पैकेट होता है, उससे उसके ज़रिए भी आप जलेबी बना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे इस सांचे के ज़रिए बहुत ही आसानी से जलेबी बन जाती है, तो इसलिए मैं ये वाला सांचा इस्तेमाल करूँगी। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये सांचा मिल जाएगा। तो बैटर को इस सांचे में डाल देंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो बैटर को मैंने सांचे में भर दिया है और ये हमारा सांचा बैटर से भर के तैयार हो चुका है। तो चलिए गैस के ऊपर अब चाशनी बना लेंगे। पहले तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप चीनी ली है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट 1 कप है। उसमें हम डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और चीनी को पानी में घुलने देंगे। गैस ऑन है तो लगातार चलाते हुए बहुत ही जल्दी से इस तरीके से चलाते हुए हमने चीनी जो है ये मेल्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हो अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो पानी को लगभग हमें 3-4 मिनट उबाल देना है, और 3 मिनट होने के बाद मैंने यहाँ पे केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं। बस 5-6 धागे डाल देना है, बहुत ज़्यादा केसर का इस्तेमाल भी नहीं करना है। 5-6 धागे डाल दिए हैं। फिर से मैंने 2 मिनट इसको उबाल दिया है, पानी को उबलने दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखेंगे, चेक करेंगे हमारी जो चाशनी है वो रेडी है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी ये जो चाशनी है ये रेडी हो चुकी है। हमें जो चाहिए चाशनी वो चिपचिपी चाशनी चाहिए, यानी कि 1/2 तार की चाशनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस 1/2 तार की चाशनी चाहिए इस तरीके से, और उसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम गैस के ऊपर ऑयल रख देंगे। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल
गर्म होने के बाद हम इस तरीके से जलेबी छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी जलेबी बनाऊंगी, आप चाहो तो उसकी साइड जो है ये बड़ी रख सकते हो। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हम इस तरीके से जलेबी बना सकते हैं। तो अच्छे से फ्राई होने देंगे और ऊपर से हम चेक करेंगे कि जलेबी जो है ये क्रंची हो चुकी है नहीं, ऑयल में आपको समझ में आ जाएगा। चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम चेक करेंगे और निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे जलेबी हम फ्राई करके लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी जलेबी बनाई है। और सारी जलेबी फ्राई होने के बाद हमने जो चाशनी बना ली है उसमें इस तरीके से डिप करेंगे और निकालेंगे। डिप करके हमें आधे मिनट के लिए रख छोड़ देना है इस तरीके से दबा के, और जो चाशनी है वो जलेबी के अंदर चली जाएगी और तुरंत ही निकाल देंगे। इसी तरीके से सारी जलेबी जो है चाशनी में डिप करके निकालेंगे। लेकिन चाशनी हमारी यहाँ पे ठंडी है और यहाँ पे सारी जो जलेबी है वो मैंने डिप करके ले ली है चाशनी में। हमारी ये जो जलेबी है वो रेडी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ढेर सारी जलेबी हमने बना ली है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं।